नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्रत कथा एवं स्त्रोत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के व्रत कथा एवं महत्व की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। दोस्तों, मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमामाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की विशालक्षी नाम की अति सुंदरी स्त्री थी, किंतु कामसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया, तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेमामाली अपने स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंड ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमामाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमामाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमामाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमामाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोड़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ।
अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंड ऋषि ने कहा, हे हेमा माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू अषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।